Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार। आज की इस जापानी भाषा एक परिचय कोर्स की इस क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज उन सबका भी स्वागत है जो शायद पहली बार ये कोर्स देख रहे हैं और आए हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये कोर्स करके आपका जो उच्चारण है वो सही होगा और आप जापानी भाषा आसानी से बहुत सीख सकेंगे, आपको आसान लगने लगेगी। तो हमारे जो प्रीवियस क्लासेस हुई हैं, जो हमारी पुरानी क्लासेस हुई हैं, उसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ किया है। उसमें उच्चारण भी किया है, हमने हिरागाना भी करी है, हमने कताकाना के बारे में बताया है, कांजी जो चित्रलिपि है उसके बारे में बताया है। तो आज भी हम कुछ वो करेंगे, कुछ ग्रामर करेंगे। पिछले हफ्ते हम लोगों ने नो सीखा, नान सीखा, हम लोगों ने दारे और दोनाता सीखा। तो आज हम उसको आगे ले चलते हैं और कुछ नया करते हैं और देखते हैं कि इस लेसन में क्या है। तो आइए, आज हम लोग करेंगे वाताशिमो गाक्सेई देस। तो इसमें क्या नया है देखिए। लेकिन उससे पहले, क्योंकि हम पिछले हफ्ते गिनती कर रहे थे, तो हम लोग 71 से 80 तक आज गिनती करके देखते हैं। आप भी ध्यान दीजिए और देखिए कि आपको कितना याद है। नाना जीव इची, नाना जीव नी, नाना जीव सान, नाना जीव योन या शी, नाना जीव गो। और आप देखिए यहाँ पर आपके लिए पूरा कांजी में लिखा हुआ है, आप इसका अभ्यास भी कर सकते हैं। नाना जीव रोकु, नाना जीव नाना, नाना जीव हाची, नाना जीव क्यू और हाची जीव। आप देखिए आपने अभी तक 1 से लेकर 10 तक सब गिनतियाँ करी हुई हैं, सबकी कांजी करी हुई है, हम लोगों ने उसका अभ्यास भी किया है। तो आप इस तरीके से लिखने का अभ्यास करिए। और ये हिरागाना में पूरा लिखा है, यहाँ पर हिरागाना भी साथ साथ लिखने का अभ्यास करिए। तो आइए आज एक ऑडियो सुनते हैं। सबसे पहले नाओ सान नो सेम्मोन वा बुत्सुरीगाकु देसु का? ईए, जोहो कोगाकु देसु। वाताशि नो सेम्मोन मो जोहो कोगाकु देसु। 何年生ですか ?3 年生です。田中さんは何年生私は2年生です。と、क्या समझ में आया आपको? कुछ तो हम लोगों ने पहले किया है, तो वो कुछ आप समझ पाए होंगे। जो कुछ बचा हुआ है, जो नया है, वो अब हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम इसको पढ़ के आपको सुनाते हैं। तो तानाका सान और राव सान दो जनों के बीच का ये कॉन्वर्सेशन है, काइवा है। राव सान नो सेनमोन वा बुत्सुरी गाकु देसु का? ईए, जोहो को गाकु देसु। वाताशि नो सेनमोन मो जोहो को गाकु देसु। नान नेनसेई देसु का? सान नेनसेई देसु। वाताशि वा नी नेनसेई देसु। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें नई हैं, जैसे कि सेनमोन और मो नान नेनसे। तो इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। ये पूरा जापानी में लिखा है और आप इसमें एक चीज़ गौर से देखिए कि यहाँ पर जो जापानी शब्द नहीं हैं, जो विदेशी शब्द हैं, उनको कताकाना में लिखा जाता है।
यहाँ आपको सब हीरागाना नज़र आएगी और इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि ये कांजी में भी लिखा है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जापानी भाषा में ये जो तीनों लिपियाँ हैं ये एक साथ लिखी जाती हैं, जैसे यहाँ पे कताकाना, हीरागाना और फिर कांजी लिखी है, इस तरीके से लिखा जाता है। सेनमोन क्या है? ये शब्द एक नया है। सेनमोन, सेनमोन का अर्थ है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है, किसी भी विषय की जानकारी हो या पढ़ाई हो, उसके बारे में आप जानते हो, पढ़ना चाहते हो, उसको सेनमोन कहते हैं। यानी कि आपका जो स्पेशलाइजेशन है, जिसमें भी आप आगे की पढ़ाई करते हैं, शोध करते हैं, वो आपका सेनमोन बन जाता है। तो वो कुछ भी हो सकता है। आप फूलों के बारे में पढ़ सकते हैं तो वो आपका सेनमोन हो सकता है। आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आप मेडिसिन कर सकते हैं, आप बिजली का काम कर सकते हैं, वो आपका सेनमोन हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है सेनमोन। अब देखिए वाक्य कैसे बनेगा। यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दें, अभी तक जो हम लोगों ने सेंटेंस कंस्ट्रक्शन या समझ लीजिए पैटर्न किया है, उसको ज़्यादातर बदला नहीं गया है। अनाथानो आपने किया है, आपका सेनमोन वा नानदेस का। तो वा से पहले जिस भी चीज़ के बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। तो सेनमोन के बारे में हम पूछ रहे हैं, इसलिए वा से पहले होगा और बाकी कंस्ट्रक्शन वही है। नान एक प्रश्नवाचक शब्द है, जो आपको पता है, आपने किया है, तो यहाँ पे लगा करके आप पूछ सकते हैं, अनातानो आपका सेनमोन वा नानदेस का क्या है। अनातानो सेनमोन वा नानदेस का, और यही चीज़ जापानी में भी लिखी है। अब यहाँ सेनमोन जो है वो कांजी में भी लिखा जा सकता है, चित्रलिपि में भी लिखा जा सकता है और हीरागाना में भी लिखा जा सकता है। नान की आपने कांजी भी करी है, आपको एक बार बता दें। नान की कांजी तो ये है, इसका जो लिखने का ऑर्डर है वो है, तो इस तरीके से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने पूछा है सवाल, हमने प्रश्नवाचक शब्द नान लगा करके सेनमोन के बारे में पूछा है। अगर हम यहाँ पर अपना इंटोनेशन बढ़ा दें, थोड़ा सा ऊपर कर दें, ऊंचा कर दें, तो यही वाक्य, यही प्रश्न जो है, हम अलग तरीके से भी पूछ सकते हैं। अनातानो सेनमोन वा ईगाकु देस का। ईगाकु मेडिसिन हुआ, तो अगर आपको थोड़ा सा भी आभास है कि उनका मेडिसिन सेनमोन है या उनका सिविल इंजीनियरिंग सेनमोन है या उनका फिजिक्स सेनमोन है, तो आप उसको भी लगा करके अपना इंटोनेशन थोड़ा सा बढ़ा करके पूछ सकते हैं, तो नान की आवश्यकता नहीं है। नान जब आप करते हैं तो आपको इस बात का पता ही नहीं है कि उनका सेनमोन क्या है। जब आप सेनमोन लगा के बात करते हैं तो कुछ आपको अंदाज है कि इनका स्पेशलाइजेशन या सेनमोन क्या है, तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं। और यहाँ पर आप नाम भी लगा सकते हैं, तनाकासान अनातानो सेनमोन वा ईगाकु देस का, या तनाकासान अनातानो सेनमोन वा नानदेस का। देखिए इसका हम लोग अभ्यास भी कर सकते हैं। वाताशिनो सेनमोन वा, यहाँ पे जो भी आपका सेनमोन हो वो आप लगा के देखिए। अगर आपका सिविल इंजीनियरिंग है तो दोबोकु कोगाकु, वाताशिनो सेनमोन वा दोबोकु कोगाकु देस, आप हमारे बाद भी बोल सकते हैं। जितना ज़ोर से बोलेंगे, जितनी बार बोलेंगे, उतना आसान रहेगा, उतनी जल्दी आपको याद होगा और आगे सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में आपको आसानी होगी। वाताशिनो सेनमोन वा सेई बुत्सुगाकु देस, अर्थ यहाँ पे सब लिखे हुए हैं तो आप देख सकते हैं अर्थ। वाताशिनो सेनमोन वा सुगाकु देस, वाताशिनो सेनमोन वा बुंगाकु देस, वाताशिनो सेनमोन वा केंचिकु देस। तो आप इस प्रकार से अपने सेनमोन के बारे में किसी को भी बता सकते हैं। अभी तो आपने सेनमोन के बारे में बताया, अब आप वाताशी की जगह भी जो आपने शब्द सीखे हैं उनका आप प्रयोग कर सकते हैं।
जैसे ओकासान है, ओकासान नो सेनमोन वा दोबोकु कोगाकु देस, या ओकासान नो सेनमोन वा सुगाकु देस, या आपने एक और शब्द किया है इमोतो, छोटी बहन, तो वाताशी नो इमोतो नो सेनमोन वा सुगाकु देस, या आप कर सकते हैं इमोतो नो सेनमोन वा सुगाकु देस। ओकसान यानी कि पत्नी, ओकसान नो सेनमोन वा सुगाकु देस या केंचिकु देस, आप जो भी उनका सेनमोन हो उसको बता सकते हैं। अब आप रिलेशनशिप भी बता सकते हैं, जो कि आपने अपने पिछले चैप्टर में करी है, कि तोमोदाची नो ओकसान नो सेनमोन वा, दोस्त की पत्नी का सेनमोन वा, जो भी आप इसमें से, ये पूरा सिविल इंजीनियरिंग है, दोबोकु, सेइबुत्सु, सुगाकु, बुंगाकु, केंचिकु, कोई भी लगा करके आप बता सकते हैं, या कोई उनका अपना सेनमोन है उसको आप कह सकते हैं। देखिए, आपने पिछले अपने लेसन में नो किया था। हिंदी में हम लोग कारक करते हैं, तो कारक क्या करते हैं, वो ज़्यादातर संबंध बताते हैं शब्दों के बीच में, कुछ प्रकार की रिलेशनशिप बताते हैं। तो नो जो कारक है, एक तरीके से हम लोग समझ सकते हैं उसको कि वो कारक है, आसान हो जाता है समझने में। तोमोदाची नो ओकसान, तोमोदाची मेरे दोस्त की पत्नी, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, जो हम लोगों ने किए हैं कारक, उनमें से की संबंध बताते हैं की। इसको अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि नो किस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है। अब जैसे अभी पिछली स्लाइड में हमने नान किया था, तो आप कॉन्वर्सेशन भी कर सकते हैं अपने दोस्त के साथ, उनसे पूछ सकते हैं अनाता नो सेनमोन वा नान देस का, उनका जवाब आ सकता है वाताशी नो सेनमोन वा सुगाकु देस। अब सेइबुत्सु सुगाकु, सुगाकु बुंगाकु, ये तो आपने किया है कि वाताशी नो सेनमोन वा सुगाकु देस। अब अनाता की जगह आप इनमें से कोई भी लगा सकते हैं, ओतो सान नो सेनमोन वा नान देस का, तोमोदाची नो सेनमोन वा नान देस का, इमोतो नो सेनमोन वा नान देस का, ओकसान नो सेनमोन वा नान देस का, और जो भी सेनमोन हो उसको आप आराम से बता करके एक छोटा सा काइवा कर सकते हैं। इस प्रकार से भी आप अभ्यास कर सकते हैं अपने दोस्त के साथ। अभी तक आपने किया है देस, देस, वाताशी नो सेनमोन वा सुगाकु देस। अब यहाँ पे हम करने वाले हैं देवा अरिमासेन, अरिमासेन, अरिमासेन क्या है, देस बताता है कि ऐसा ऐसा है, और देवा अरिमासेन बताता है ऐसा ऐसा नहीं है। सो वाताशी नो सेनमोन वा सुगाकु देस, वाताशी नो सेनमोन वा सुगाकु देवा अरिमासेन, यानी कि सुगाकु नहीं है। अब देखिए इसका अभ्यास करिए आप, देवा अरिमासेन, वाताशी नो सेनमोन वा किकाई कोगाकु देवा अरिमासेन, किकाई कोगाकु है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेरा सेनमोन किकाई कोगाकु नहीं है। अब आपका सेनमोन क्या है आप बताइए, वाताशी नो सेनमोन वा देस, या अगर आपका वो सेनमोन नहीं है तो वाताशी नो सेनमोन वा देवा अरिमासेन। इस प्रकार से आप अभ्यास कर सकते हैं, जोर से बोलिए जिससे कि आपको सुनाई पड़े और आप आराम से सुन करके जान सकें कि आपने सही बोला है या नहीं, सही आपका उच्चारण है या नहीं। दोबोकु कोगाकु, सिविल इंजीनियरिंग, जो हो कोगाकु, किकाई कोगाकु, कागाकु, बुत्सुरी गाकु, ईगाकु, शिनरी गाकु, बुंगाकु, एगो, चिरीगाकु, चिशित्सुगाकु,
केइजाई, तो ये बहुत सारे सेनमोन हैं आपके लिए, यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए आप लोग ये सब इस्तेमाल करके, इनका प्रयोग करके और छोटे छोटे काइवा अपने मित्र के साथ अभ्यास करिए उनका। और बहुत से हैं जो आप सीखेंगे, कुछ आप डिक्शनरी में भी देख सकते हैं, खुद भी जानने का प्रयास करिए। अब हमारे काइवा में एक और नया पार्टिकल था, पार्टिकल मो, उसका आपको बताते हैं कैसे प्रयोग किया जाता है। पार्टिकल मो का प्रयोग जो है हिंदी में भी के समान है, अंग्रेजी में टू या ऑल्सो, इवन के समान है। तो ये कब कब प्रयोग किया जाता है? देखिए, सबसे ज़्यादा प्रयोग पार्टिकल वा का होता है, वा के बिना कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता। अब जैसा कि यहाँ लिखा है, वाक्य में मो का प्रयोग वाक स्थान पर किया जाता है, लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है कि वाक की जगह तो मो का प्रयोग हो सकता है, पर मो की जगह वाक का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अब देखिए, आपने किया है वाता शिवा नी होन जिन देस, मैं जापानी हूँ। अब यहाँ पे अगर आपके दोस्त भी जापानी हैं तो वो भी ये कह सकते हैं कि वाताशी मो नी होन जिन देस, है कि नहीं है? लेकिन अगर हम ये हटा दें यहाँ से, ये वाला वाक्य हम हटा दें यहाँ से, तो आप बताइए वाताशी मो निहोन जिन देस, इसका अर्थ क्या होगा? मो तो तभी इस्तेमाल हो सकता है जब कुछ कहा जा चुका है और आप वही चीज़ दोबारा कहना चाह रहे हैं कि मैं भारतीय हूँ, मैं भी भारतीय हूँ, मैं भी भारतीय हूँ, बिना ऊपर के वाक्य के उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो ये ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है कि वा की जगह तो मो का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन मो की जगह अगर हम चाहें कि हम वा का प्रयोग कर लें तो वो संभव नहीं है। जैसे तनाका सान वा ईशा देस, तनाका सान डॉक्टर हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि वाताशी मो ईशा देस, मैं भी डॉक्टर हूँ, लेकिन अगर हम तनाका सान वा ईशा देस हटा दें तो वाताशी मो ईशा देस, इसका क्या अर्थ है? मैं भी डॉक्टर हूँ, तो मैं भी डॉक्टर हूँ से पहले कुछ आना ज़रूरी है, इसलिए वा के बदले में मो का प्रयोग किया जा सकता है, उल्टा नहीं। तो केई वा वाताशी नो ओका सान नो देस, तो केई घड़ी मेरी माताजी की है, काबान मो ओकासान नो देस। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे वाताशी नो कर दिया गया है और नाउन जो यहाँ पे आता है उसको नहीं लिखा गया है दोबारा। आप लिख भी सकते हैं काबान मो वाताशी नो ओकासान नो देस, या उसको आप हटा भी सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी उसको कहा जा चुका है और केवल काबान मो ओकासान नो देस कह सकते। एक और प्रैक्टिस कर लीजिए, तनाका सान वा वाताशी नो तोमोदाची देस, तनाका सान मेरे मित्र हैं, राव सान मो वाताशी नो तोमोदाची देस, राव सान भी मेरे तोमोदाची हैं। तो इस प्रकार से आप मो का अभ्यास कर सकते हैं। अब देखिए, जो आपने अभी तक पढ़ा है उसके साथ अभ्यास है, तो वाताशी नो सेनमोन वा एगो देस, आपने सेनमोन अभी अभी किया है, मेरा स्पेशलाइजेशन, होंदा सान नो सेनमोन मो एगो देस, आपने जिन पिछले अपने लेसन्स में किया है नागरिकता बताने के लिए, तो तनाका सान वा निहोन जिन देस, तनाका सान जापानी है, होंदा सान मो ऑल्सो भी निहोन जिन देस, होंदा सान भी जापानी हैं।
तो आप जिन के साथ भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पे हर तरीके से आप नेशनैलिटी बता सकते हैं, अमेरिका जिन देश, निहोन जिन देश, ताइवान जिन देश, इंडो जिन देश, दोइत्सु जिन देश, और फिर मो का प्रयोग अपने मित्र के साथ करके इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब आपने व्यवसाय भी किया है, आप यहाँ पे बेंगोशी कर सकते हैं, राव सान वा बेंगोशी देस, होंदा सान मो बेंगोशी देस। आप ये भी बता सकते हैं कि राव सान वा दाइगाक्से देस, राव सान स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, होंदा सान भी दाइगाक्से देस, होंदा सान मो दाइगाक्से देस। अब आप बताइए ये कौन है और ये क्या करते हैं। तोमोदाची नो ओतो सान वा, आपको क्या लग रहा है क्या है? ये सैलरी मैन है, जापान में सैलरी मैन कहते हैं जो नौकरी करते हैं। तो तोमोदाची नो ओतो सान वा सारारी मान देस, सारारी। अभी हम लोगों ने कताकाना नहीं करी है इसलिए इसको हिरागाना में लिख रहे हैं, सारारी मा सारारी मान देस। वाताशी नो ओतो सान मो सारारी मान देस। और ये ज़रा ध्यान रखिएगा कि इसका प्रोनंसिएशन क्या है, ये अंग्रेज़ी के जैसे सैलरी मैन नहीं है, ये सारारी मा सारारी मान देस। तो इसको आप अभ्यास कर सकते हैं इस तरीके से, और वाक्य बना करके और तस्वीरें देख करके आप अपने दोस्त से पूछ सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपने पहले ये भी किया है नीनेन से देस, वाताशी वा नीनेन से देस, मैं दूसरे वर्ष का विद्यार्थी हूँ, तो वाताशी मो नीनेन से देस या तोमोदाची मो नीनेन से देस। तोमोदाची नो ओकासान वा ईशा देस, अभी हम लोगों ने किया है, तो वाताशी नो ओकासान मो ईशा देस। व्यवसाय के साथ आप नो का प्रयोग भी कर सकते हैं। पेन वा वाताशी नो देस, कोई भी चीज को देख करके, कोई भी वस्तु को दिखा करके आप पेन वा वाताशी नो देस, पेन मेरा है, शार्प पेन शिर मो वाताशी नो देस। तो कोई भी वस्तु को, जिशो वा वाताशी नो देस, जीबिकी मो वाताशी नो देस। अब अभी हमने थोड़ी देर पहले देस और देवारिमा सेन किया था, नेगेटिव किया था देस का, देस देवा अरिमा सेन, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये है और ये नहीं है। हमारे ख्याल में आपको अब समझ में आ जाएगा, तो इसका भी आप अभ्यास कर सकते हैं। वाताशी नो ओकासान नो सेन मोन वा सुगाकु देस, वाताशी नो ओकासान नो सेन मोन वा सुगाकु देवा अरिमा सेन, वाताशी नो इमोतो नो सेन मोन वा दोबोकु कोगाकु देवा अरिमा सेन, सेनसेई नो सेन मोन वा केजाई देवा अरिमा सेन। तो अभी तक जो हम लोगों ने सेनमोन किया है उसके साथ पार्टिकल मो किया है, पिछले अपने लेसन्स में हम लोगों ने पार्टिकल नो किया है, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट पार्टिकल्स हैं, बहुत आवश्यक हैं भाषा के लिए, और जो अब हम लोग बाद में करेंगे उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसलिए इनका अच्छे से अपने मित्र के साथ अभ्यास करिए और इनको याद करिए। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर हमने जापानी में भी लिख करके दिया है, जिससे आप कांजी और काना दोनों जो स्क्रिप्ट्स हैं उनको आप अच्छे से अभ्यास उनका कर सकें। तो आइए, जैसा कि हमने पहले आपसे वादा किया है, हर बार हम लोग थोड़ी थोड़ी कांजी करेंगे, कुछ ना कुछ नई कांजी करेंगे, तो आज भी कुछ नया करते हैं, देखिए क्या है आज। आपको ये तस्वीर देख करके समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, ये मुंह है, लेकिन मुंह की कांजी बनती कैसे है। अब देखिए, कांजी
चित्रलिपि है, यानी कि जो भी चीज़ आप देखते हैं, जो भी वस्तु आप देखते हैं, वो उसकी इमेज आप अपने दिमाग में कैसे बनाते हैं, कैसे उसके बारे में सोचते हैं, क्या पिक्चर दिमाग में बनती है और उस पिक्चर को हम कैसे लाइनों में डिपिक्ट करते हैं, कैसे दर्शाते हैं, वो कांजी में यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। तो आपने ये चित्र देखा मुंह का, अब मुंह को हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं? मुंह का जब आप तस्वीर देखते हैं तो इसको आप कैसे ये चौकोर सा एक स्क्वायर बना देते हैं और सोचते हैं कि ये मुंह है। तो देखिए ये मुंह है, अगर इसको हम लाइनों में दिखाना चाहेंगे तो इस प्रकार से दिखाएंगे, एक, दो और तीन। इसका अर्थ तो कुछ ही है, लेकिन इसका भाव जो है वो एक छेद है, एक गुफा है, एक होल है, और ये बनाया जाता है एक, दो और तीन। ये ध्यान रखना आवश्यक है कि हर कांजी इधर की तरफ ही ख़त्म होगी, क्योंकि दूसरी कांजी को करने में बहुत आसानी होती है। तो एक बार दोबारा से, एक और ये दो है, दो और तीन, यानी कि एक, दो और तीन। तीन स्ट्रोक का ये कैरेक्टर है कुछ ही। अब जब आप देखेंगे कभी भी ये कैरेक्टर, तो आप हमेशा समझ जाएंगे कि ये कहाँ से आ रहा है, इसका अर्थ क्या है। प्रयोग इसका बहुत आसान है। आप दिमाग में सोचिए कि एंट्रेंस, यानी कि कहीं घुसना, प्रवेश, तो उस समय इसका प्रयोग किया जाता है। उसका कैरेक्टर है और शब्द है इरी गुची, यानी कि जाने का रास्ता, जाने की जगह, जाने का द्वार। अब ये क्या है? आशी यानी पैर, ये कहाँ से आया है? जब आप इसकी तस्वीर देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ बिल्कुल सही है, इसी प्रकार से ये बनाना चाहिए। ये देखिए एक आदमी भागा चला जा रहा है, तो पहले इसमें ऊपर वाला कैरेक्टर बनता है कुची, फिर हाथ बनाए जाते हैं और फिर पैर। तो एक व्यक्ति जो है वो तेज़ी से कहीं भागा चला जा रहा है, और कैसे भागता है? अपने पैरों से भागता है। तो इसलिए इसकी कांजी जो है, इसकी चित्रलिपि जो है, जिसे हम कांजी कहते हैं जापानी में, वो इस प्रकार से है। एक बार और आपके लिए बना दें, एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः और सात, और आप देखेंगे ये भी यहीं पर ख़त्म हुआ है। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और सात। इसको इसी तरीके से याद करिए, देखिए अब आप कभी भूलेंगे नहीं इसको। आगे देखिए क्या है इसमें, मे यानी आँखें, आँखों को देखिए और इसको आप बस घुमा दीजिए 90 डिग्रीज, और देखिए ये ऐसे बन जाता है, एक, दो, तीन, चार और पाँच। ये आँखें ऐसे हैं, इस तरीके से है, तो इसको आपने पूरा घुमा दिया 90 डिग्रीज और वो आराम से मे बन गया। ते, ते माने हाथ, इस तरीके से आता है, पांच उंगलियां बनाते हैं उसको, एक, दो, तीन, चार। आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताएं, जब आप ऐसे पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं कांजी, तो इतनी आसानी से दिखता नहीं है, आप बना नहीं सकते हैं, लेकिन जब आप ब्रश से बनाते हैं तो ज़्यादातर ये यूं जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं जाएंगे तो जो पेंसिल का धब्बा है वो पेपर पे आ जाता है, यानी कि इंक का जो धब्बा है वो एक ब्लॉट सा वहाँ पे आ जाता है, बहुत भद्दा दिखता है, जैसे कि समझ लीजिए ऐसे आ जाएगा। इसलिए इसको हमेशा जब भी बनाते तो इस तरीके से ऊपर उठा देते हैं, तो धब्बा नहीं आता है। नए शब्द हैं कुछ यहाँ पर जो आपने किए हैं कांजी के साथ, जैसे जिंको, जिन माने व्यक्ति, और ये भी आपने कुछ ही किया है, तो इतने मुंह इसलिए जिंको,
याद रखिएगा, हितो और कुची की कांजी है। किताकुची यानी कि उत्तरी द्वार, किता माने उत्तर और द्वार, कुचिदाशी इसका मतलब है दखल देना, यहाँ पर इस समय इसका मतलब है दखल देना। सो कुचिदाशी यानी कि बीच में बोलना। हितो में ये एक आँख नहीं है, इसका अर्थ है एक नज़र। ते आपने किया ही हुआ है, आशी आपने किया है, और इसको अगर हम मिला देते हैं तो ये बन जाता है ते आशी यानी कि हाथ और पैर। ते गामी, ते आपने देख ही लिया है, ते माने हाथ और गामी माने कागज़। तो हाथ से कागज़ पर लिखना क्या हुआ, चिट्ठी हो गया, ते गामी। ते बुकुरो, ते बुकुरो आपने अभी अपने पिछले लेसन में किया ही है, यानी दस्ताने। ते के ऊपर, हाथ के ऊपर कुछ लिफाफा चढ़ा देना या कपड़ा चढ़ा देना, ढक देना, तो ते बुकुरो, दस्ताने। अच्छा, ये तस्वीर देख करके आपको क्या लग रहा है कि किसी का जन्मदिन है और हम समझ लेंगे तनाका-सान वो मीरा-सान को एक प्रेजेंट दे रहे हैं। तो ऐसे समय पर जापानी लोग क्या कहते हैं? मीरा-सान, ओतांजो भी ओमेदेतो गोजाइमास। ये तो आपने किया है, जन्मदिन की आपको बहुत बहुत बधाई। अगर आप हिंदुस्तान में भी देखिए, हमारे यहाँ देखिए, तो जब हम लोग कोई भेंट देते हैं किसी को तो कुछ कह करके देते हैं, खाली पकड़ा नहीं देते हैं। अगर आप बहुत ही अच्छे से और कायदे से किसी को कुछ देना चाहते हैं तो आप कहते हैं एक बहुत छोटी सी भेंट है, बहुत तुच्छ भेंट है, आप स्वीकार करिए। तो उसी प्रकार जापान में भी जब कुछ दिया जाता है, चाहे वो जितनी भी बड़ी चीज़ हो, लेकिन जब वो दी जाती है तो हमेशा यही कहा जाता है कि बहुत छोटी सी चीज़ है। सबसे पहले तो इन्होंने ये कहा, मीरा-सान ओतांजो भी ओमेदेतो गुजाइमास, तो मीरा-सान ने कहा अरिगातो गुजाइमास, कि बहुत बहुत धन्यवाद। और उसी से पहले वो कहते हैं सुमारा नाई मोनो देसु गा दोज़ो, यानी कि बहुत छोटा सा एक तोहफा है आपके लिए, बहुत छोटी सी चीज़ है, कृपया स्वीकार करिए। तो ये एक तरीका है कोई भी भेंट देने का। अच्छा, अभी आपने पहले भी अपने लेसन्स में कुछ मुहावरे करे हैं, कुछ कोतोवाज़ा करे हैं, तो आज एक और नया कोतोवाज़ा हम लोग करते हैं, नाना कोरोबी या ओकी। नाना माने सेवन यानी कि सात, जो आपने किया है नंबर में, और या माने आठ। नाना कोरोबी या ओकी यानी कि नाना बार गिरिए, सात बार गिरिए, आठ बार उठिए। इसका लिटरल ट्रांसलेशन तो ये है कि सात बार गिर के आठ बार उठिए, लेकिन ये आता कहाँ से है? देखिए, जापान में जो बुद्धिज़्म है वो हमारे हिंदुस्तान से ही गया है, चाइना होते हुए गया है। तो चाइना से जो मॉन्क्स थे, जो बुद्धिस्ट पुजारी थे, वो वहाँ जापान आए और उन्होंने उसका बुद्धिज़्म का, बौद्ध धर्म का वहाँ प्रचार किया। जो वहाँ सबसे पहले बुद्धिस्ट मॉन्क आए, जो पंडित आए, उन पर ये जो डॉल है, दारुमा डॉल कहलाती है ये गुड़िया, ये बनाई गई, या समझ लीजिए उनके ऊपर है ये गुड़िया। और इसकी खासियत ये है कि एक तो ये स्टेबल नहीं है, ये स्थिर नहीं है, ये डोलती रहती है, कभी इधर लुढ़कती है, कभी इधर लुढ़कती है। और एक और बहुत मज़ेदार चीज़ इसमें है, इंटरेस्टिंग है, कि इसकी एक आँख देखिए, उसमें काला है और एक सफ़ेद है। तो जब भी कोई बहुत अच्छा काम होता है, जब भी कुछ आप अचीव करते हैं, जब भी कुछ अच्छी खुशखबरी होती है, कुछ अच्छा काम होता है, तब इसकी जो आँख है वो रंग दी जाती है काले रंग से, और सेलिब्रेशन होता है इनके आशीर्वाद के लिए, इनके गुड विशेस के लिए, कि जो भी हमारा काम हो वो अच्छा हो। तो ये जो कोतोवाज़ा है वो नाना कोरोबी या ओकी, वो एक्चुअली यहाँ से आता है कि आप जितनी बार चाहें उतनी बार गिरें, पर गिरकर उठना बहुत ज़रूरी है।
हिम्मत नहीं हारना है, इसका बेसिक मीनिंग है कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, कितनी भी परेशानियाँ आएँ, जो भी मुसीबतें आएँ, लेकिन काम से अपने हटना नहीं है, उतना ही डट करके ही, उतनी ही हिम्मत से काम करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है और डिप्रेशन में नहीं आना है, दुखी नहीं होना है कि हमसे ये काम नहीं हुआ, हम नहीं कर पाए, अब क्या करें। ऐसा नहीं है, कितनी बार भी गिरिए, उठिए, हिम्मत नहीं हारिए और आगे बढ़िए। गलती होती है, मुश्किलें आती हैं, सब होता है, लेकिन उनसे हम डील कैसे करते हैं, उनसे हम कैसे अपने आप से उससे जूझते हैं, कैसे लड़ते हैं, कैसे उससे गिर करके वापस उठ के और आगे बढ़ते हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और वो हम कैसे करते हैं, हमको ये जो प्रोवर्ब है ये करने की हिम्मत देती है कि नाना कोरोबी या ओकी, आप गिरते रहिए, कोई बात नहीं, हर व्यक्ति गिरता है, लेकिन उठने की हिम्मत रखिए और प्रयास जारी रखिए, अपना कभी भी हारिए नहीं। तो ये एक कोतोवाज़ा है, ये हम लोग को भी हिम्मत देता है कि हम लोग जापानी सीखें, आगे बढ़ते रहें, अच्छे से बढ़ते रहें और नई नई चीज़ें रोज़ सीखें। तो ये देखिए, अभी तक हम लोगों ने 46 हिरागाना सिलेबल्स किए हैं। ये 25 सिलेबल्स हैं जो पुरानी हिरागाना से बनाए गए हैं। जैसे अगर आप देखेंगे, अगर ये हटा दीजिए, आप ये पोर्शन हटा दीजिए, तो हा, ही, हु, हे और हो है, लेकिन इसमें अगर हम ये दो बिंदियां लगा देते हैं तो ये बन जाता है बा, बी, बू, बे, बो। एक बार फिर से, बा, बी, बू, बे और बो। इसका स्ट्रोक ऑर्डर आप ज़रूर देख लीजिए और उसी स्ट्रोक ऑर्डर से प्रैक्टिस करिएगा। तो ये देखिए, उसी तरीके से ये है ता, ची, सु, ते, तो। यदि हम ये हटा दें तो इसके साथ ये है दा, जी, जु, दे, दो। अब कैसे बनाते हैं आपको बता दें हम। दा, जी, जू, दे और दो। जिस प्रकार से इसमें स्ट्रोक ऑर्डर दिया है उसी प्रकार आप इसका अभ्यास करें। और ये है पा, पी, पू, पे, पो। पा, पी, पू, पे और पो। आपने पिछली बार का सीरीज की कथाकाना करी थी, आज स साउंड की कथाकाना करिए और आप देखेंगे कि कितनी एंगुलर है ये, कितने शार्प इसके एजेस हैं। ये केवल इसलिए है क्योंकि पूरी काताकाना स्क्रिप्ट जो है वो कांजी से बनाई गई है, तो आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। सा, शी, सु, से और सो। और इसी प्रकार आपके पास है ता, ची, सु, ते और तो। इनका उच्चारण वही है, केवल लिखने का तरीका अलग है। ता, ची, सु, ते और तो, ये और ये एक्सेप्शन है, इसके साथ ये भी एक्सेप्शन है, ये ध्यान में रखिएगा। ना, नी, नू, ने, नो। ना, नी, नू, ने और नो। और इसी प्रकार से हा,
he, who, he, or who. अब आज का क्लास तो समाप्त हो गया है. आपको बहुत सारी नई चीज़ें करनी हैं. आज हमने मो किया, नए शब्द किए हैं, एक नया कोतवाज़ा किया है, एक नई अभिव्यक्ति करी है. तो आप उसका अभ्यास करिए, सुनिए और लिखिए, पढ़िए. और हम लोग जल्दी ही अगली क्लास में फिर मिलेंगे. नमस्कार, धन्यवाद.